नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ में हूं हेमंत कुमार। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त उछला दिन भर की सबसे बड़ी बहस का। और बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे दिल्ली में आज हुई कांग्रेस की बैठक और सरकार को घेरने के लिए बनी रणनीति की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के महासचिवों, राज्य के प्रभारियों और प्रदेश के अध्यक्षों के साथ बैठक की। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में वैसे तो माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के सुस्त पड़े संगठन और कार्यकर्ताओं को नया जोश भरने को लेकर के भी चर्चा हुई है। पार्टी ने अगले 1 महीने तक के कुछ कार्यक्रम भी फाइनल किए हैं, जिनको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस का ऐसा ही कार्यक्रम गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर के अगले महीने से देश भर में शुरू होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक पार्टी पूरे देश भर में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर के मुद्दा बनाएगी और मोदी सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, हल्ला बोलेगी। वहीं कांग्रेस की इस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और 2019 के जनादेश का खतरनाक तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सरकार राजनीतिक बदले के लिए नेताओं को झूठे आरोपों में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब देश के खराब आर्थिक हालात से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। वैसे जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल चल रहा है वो सचमुच में बेहद चिंताजनक है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स 50 मिलियन को पार कर गए हैं तो दूसरी तरफ सरकार देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना दिखा रही है। वहीं साथ ही GDP 7% से गिर करके 5% तक पहुंच गई है, जो कि चिंताजनक है। गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार लगातार घटते जा रहे हैं, लाखों लोगों के रोजगार जा चुके हैं। कार, चमड़ा और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की सेहत लगातार गिरती जा रही है। सूरत से लेकर के पंजाब तक में हाहाकार मचा हुआ फैक्ट्रियों में, बैंकों के जो NPA हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गैर बैंकिंग की सेवाएं भी लोन देने से बच रही हैं। विश्व बैंक की 2018 की रैंकिंग में भारत की अर्थव्यवस्था 6 नंबर से गिर करके 7वें नंबर पर आ गई है। 2017 की रैंकिंग में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $2.65 ट्रिलियन था, जो कि 2018 में बढ़ करके $2.73 ट्रिलियन तो हुआ, लेकिन उसकी रैंकिंग गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2018 में फ्रांस और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में ज्यादा मजबूत रही। कहा जा रहा था कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर आ जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत को 7वें नंबर पर धकेल दिया। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो सवाल आखिरकार ये है कि अर्थव्यवस्था लगातार मोदी सरकार के हाथ से फिसलती जा रही है और क्या गिरती इकोनॉमी विपक्ष के लिए सियासत का सुनहरा मौका है। साथ ही साथ सवाल सरकार के दांव का भी है। मोदी सरकार ने जिस तरह से दावे किए, वादे किए, वो दावे क्या जमीन पर धड़ाम से गिर रहे हैं। भले ही आम लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ रही है और सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार की नाकामी को इस बार कांग्रेस बना पाएगी, क्योंकि अपने ऊपर होने वाले हमलों को अक्सर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के खिलाफ ही हथियार बनाकर उन पर हमला कर देते हैं। जब तक विपक्ष किसी एक मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला करने की कोशिश करता है, तब तक मोदी सरकार इस तरह से कोई नया मुद्दा उछाल देती है कि विपक्ष का मुद्दा लोगों और मीडिया दोनों के जहन से गायब हो जाता है। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बहस के सिलसिले को हम शुरू करें। उससे पहले कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी हम सुन लेते हैं। धारा से लोगों को अलग करके करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था पे पूरा जो डेटा है उसके सामने लोगों से नेताओं को बताया, उसका पूरी जो उनका उद्बोधन है उसको आपके हम आपको डायरेक्टली भेज देंगे। उनके पूरे उद्बोधन में मुख्य चीजें जो उसमें थी कि पहले जो सबसे जरूरी है कि आज की जो सरकार है उसको ये मानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। जब तक जो दिक्कत अर्थव्यवस्था में देश में है, जब तक सरकार उसी को नहीं मानेगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। जब तक आदमी जो दिक्कत है, जो दिक्कतें हैं अर्थव्यवस्था में उसी को नहीं मानेगा तो सरकार कैसे उसके लिए ठीक काम कर सकती है। उनका उद्बोधन आपके पास भेजा ही जा रहा है, पर साफ तौर पे दो चीजों पर मैं उनकी बातों को कहना चाहता हूं कि रियल एस्टेट की उन्होंने बात की कि सिर्फ 8 मेट्रोपॉलिटन शहरों में 8
जो हमारे बड़े शहर हैं उसमें 4.5 लाख आवास बनकर तैयार हैं, पर ना उनका लेने वाला कोई है ना उनको कोई खरीदने वाला है। तो जिस तरह की हालत रियल इस्टेट में है उसके वजह से कितनी दिक्कतें और कितनी नौकरियां लोगों को खोनी पड़ रही है। उन्होंने रुपए की बात करी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि रुपए तो गिर रहा है, रोजाना डॉलर के हिसाब से गिर रहा है, उसका फायदा भी ये सरकार नहीं रहती, क्योंकि जब रुपया डॉलर के खिलाफ गिरता है तो एक्सपोर्ट्स में आपको फायदा अवश्य मिलता है, परंतु एक्सपोर्ट्स भी रुपया के गिरने के बावजूद डॉलर से रोजाना उसका जो फायदा एक्सपोर्ट्स में मिलना चाहिए वो एक्सपोर्ट्स भी रोजाना इस सरकार में गिरते जा रही हैं, उसका फायदा ये सरकार हमारे एक्सपोर्टर्स को नहीं दे पा रहा है। जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि सारे नेताओं ने इस डिस्कशन में चर्चा की और 32 लोगों ने अपनी राय इस सरकार में रखी, और सोनिया जी ने एक चीज और साफ तौर से कहा कि नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिर्फ सोशल मीडिया या ट्विटर पे काम नहीं करना पड़ेगा, पर देश की जनता और गांव तक और गरीब तक पहुंचने की जरूरत है और एजुकेशनल प्रोग्राम करना उतना ही महत्वपूर्ण या और भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता साफ तौर से गांव और गरीब के और जो दिक्कतें हैं एजुकेशनल प्रोग्राम करना अनिवार्य है। जैसे कि कहा गया कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए चर्चा हुई और साफ तौर पे कहा गया कि जितने पीसीसी डेलीगेट्स हैं अपने प्रदेशों में पीसीसी डेलीगेट्स की एक मीटिंग बुलाकर उस पर इकोनॉमी पर, किस तरह की अर्थव्यवस्था पे इस देश पे मंडी पड़ी हुई है और किस तरह नौजवानों के लिए रियल इस्टेट में सारे किसानों पर, बेरोजगारी पर किस तरह का हमला हो रहा है, इसके खिलाफ एक आवाज उठाकर कांग्रेस के सारे डेलीगेट पीसीसी के बुलाकर उसमें वरिष्ठ नेता भी उस मीटिंग्स में उपस्थित होंगे। और जैसे कि आपने कहा उस ये ही 15 से लेकर 25 तक अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा एजुकेशनल प्रोग्राम पूरे देशव्यापी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। सितंबर 15 सितंबर से 25 सितंबर अक्टूबर सॉरी सर 15 से क्या ये लंद बारे रिपीट कर दीजिए। तो चलिए आज हम इस मसले को बात करेंगे। दो अलग अलग पैरेलल मसले हैं और मसले ये हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, सोनिया गांधी ने तमाम नेताओं के साथ बात की, ये रणनीति बनाई कि किस तरह से मोदी सरकार को घेरा जाए, देश में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर के भी चिंता जताई, और उसके बाद एक विषय ये भी उठ करके सामने आया कि जो मोदी सरकार है उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती है इस अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए और विपक्ष के सामने कितना बड़ा मुद्दा है मोदी सरकार पर हमला बोलने के लिए, जब मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जब भी कोई विपक्ष मुद्दा उठाता है मोदी सरकार उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है, उल्टा विपक्ष पर ही हमलावर हो जाती है। तो इस बात को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बन रहे हैं, साथ ही साथ फोर्टी के सचिव हैं पंकज गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रतनलाल बिश्नोई जी हैं अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, दिल्ली से मेरे साथ स्टूडियो में अजीत मेंदोला साहब हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। और सबसे पहले अजीत मेंदोला जी आपसे शुरुआत करूंगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आज जो बैठक हुई है, जो रणनीति बनाई गई कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्या कुछ निकल करके सामने आया, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? हेमंत, लोकसभा चुनाव में पार्टी की जिस तरह से करारी हार हुई और उसके बाद जो राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और एक बड़ा ड्रामा जो कांग्रेस के अंदर चला 2-2.5 महीने, वो ड्रामा चलने के बाद सोनिया गांधी ने कमान फिर से संभाली पार्टी की और वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर संभाली उन्होंने। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि पार्टी आज जिस धरातल पे चली गई जहां उस पार्टी का स्थिति ये है कि समझ में नहीं आ रहा नेताओं को करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति पार्टी के पास होनी चाहिए, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। गिनती के जिन राज्यों में सरकारें वहाँ झगड़े अपने चरम पर हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो इन इस स्थिति में सोनिया गांधी ने कोशिश करी आज कि अपने सभी मुख्यमंत्रियों को
लेकिन उसमें भी सारे मुख्यमंत्री नहीं आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आए उस बैठक में। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब कांग्रेस सोनिया गांधी ने पहली बार मीटिंग बुलाई उसमें भूपेश बघेल को लेकर भी शायद नहीं थे, तो कहने का मतलब ये कि वो रहे। उसके बाद सारे जनरल सेक्रेटरी, इंचार्ज सेक्रेटरी वगैरह सब थे। एजेंडा पहले बताया गया कि महात्मा गांधी के जो 150 साल होने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, उसको लेकर क्या कैसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन अब धीरे धीरे जब बैठक चली और उसके बाद बैठक का समापन हुआ और उसके बाद जो बातें सामने आई उसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं। नंबर एक तो ये हुआ कि सोनिया गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं में एक जान फूंकने की कोशिश की है। वो उसके लिए उन्होंने चुना जो आज के दिन में जो सबसे अहम बड़ा मुद्दा है देश में, गिरती अर्थव्यवस्था, हालत चिंताजनक है, आर्थिक मंदी अपनी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस मुद्दे को लेकर पार्टी ने एक कोशिश करी अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की, उनके अंदर एक फिर से वो सक्रिय हों, सड़कों पर उतरे। इसके लिए सोनिया गांधी ने पहले तो मोदी सरकार पर हमला बोला, गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई और तमाम तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाए। उसके बाद पार्टी ने 2-3 चीज़ें तय करी कि भाई एक तो हमको मैंने कहा ना अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया सोनिया गांधी को, यानी कि पार्टी के संगठन का चुनाव होगा। पार्टी के संगठन का चुनाव वो इस साल में होता है, अगले साल में होता है, ये कांग्रेस के आलाकमान को ही तय करना होता है, इनकी घर की पार्टी है। उसमें ये उससे पहले क्या करते हैं, एक सदस्यता अभियान चलाते हैं, तो वो सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात हुई है कि भाई इसमें एक आंदोलन करा जाए। उस आंदोलन के पीछे मकसद यही है कि भाई अभी जो मुद्दा है बेरोजगारी का और आर्थिक मंदी का, इसको लेकर सड़कों पर उतरा जाए। तो सोनिया गांधी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि सारे लोग सड़कों पर उतरे, 15 अक्टूबर से वो कैंपेन शुरू होगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं रिचार्ज करने की कोशिश करी है एक आर्थिक मंदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने, और सोनिया गांधी ने भी अपने नेताओं को समझाने की कोशिश करी कि सब लोग एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करें। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, पार्टी का संगठन नहीं है कांग्रेस के पास। संगठन के नाम पर अभी ना तो राहुल गांधी कोई फैसला कर पाए ना सोनिया गांधी कर पाई। अब नए सोनिया गांधी ने जब से कमान संभाली है तो वो मुश्किल से हरियाणा का, झारखंड का, महाराष्ट्र का फैसला कर पाई है जहां पर चुनाव होना है जी। दिल्ली में चुनाव होना है उसको लेकर अभी तय नहीं कि अध्यक्ष कौन होगा, कोई अध्यक्ष ही नहीं है, सेनापति नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सेना प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह चुके हैं 3-3 बार कि भाई मेरे को हटाओ, दूसरे को अध्यक्ष बनाओ, तो वहाँ झगड़े हो गए अध्यक्ष पद को लेकर। राजस्थान में सचिन पायलट का कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन वहाँ पर सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई अपने चरम पर है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रही है। और उसका नतीजा ये है कि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी बड़ा सवाल हो गया है। कल सोनिया गांधी ने फिर एक मीटिंग बुलाई अपने मुख्यमंत्रियों के साथ, तो अब ये देखना होगा कि कल की जो बैठक है उसमें क्या सोनिया गांधी और ये भी अहम है अजीत जी कि क्या इस हालात में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था को बना पाएंगी। लेकिन अर्थव्यवस्था जिस गति से गिरती जा रही है वो भी चिंता का विषय देश में है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। रतनलाल बिश्नोई साहब हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर इस डिबेट में हिस्सा बन रहे हैं। रतनलाल जी, कितना चिंताजनक है, आप इसे एक अर्थशास्त्री के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं? जब एक तरफ मोदी सरकार बड़े सपने युवाओं को दिखा रही है, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को लेने का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था जो विश्व बैंक की 2018 की रैंकिंग जारी हुई उसमें 6 नंबर से लुढ़कर के भारत की अर्थव्यवस्था 7 नंबर पर आ गई, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? हेमंत जी नमस्कार जी। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है, हमारे पास में रिकॉर्ड फॉरेक्स है, करीब $418 बिलियन का फॉरेक्स है। तीसरी बात यह है कि ये जो मंदी शब्द आ रहा है, हेमंत जी मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते ऑब्जेक्शन करता हूं, मंदी नहीं आई है, ये स्लो डाउन हुआ है। एक साल में वित्तीय वर्ष में 12 महीने होते हैं, 3 महीने का जो जीडीपी एस्टीमेट है वो कम आया है और वो भी सिलेक्टेड सेक्टर्स में आया है जिसकी आगे अपन बात करेंगे। तो एक सिनारियो जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एक बड़ा डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि मंदी 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 नहीं है, किसी सूरत में मंदी नहीं है, स्लो डाउन है। भारत में 5% जीडीपी है इस 3 महीने की, तो साहब अमेरिका में 3.5% है, चाइना में 4.25% है, तो भारत तो बहुत बढ़िया है, कहां दिक्कत है। रही बात आ रही है कि इसको पॉलिटिकल लेवल पे किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए, ये अलग मैटर है। मेरा ये मानना है कि चाहे इसमें मोदी जी हो और चाहे नॉन मोदी जी हो,
जी, इकोनॉमी अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन रतनलाल बिश्नोई, थोड़ा सा मैं आपको रोकना इसलिए चाहता हूं क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं हम यहां पर स्टूडियो में बैठ के कह सकते हैं, लेकिन लाखों लोग जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी छीनी है, कई जो कंपनियां हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे वो कपड़ा मिले हैं, वो बंद हो गई हैं, सूरत से लगा करके हीरा कारोबारियों के भी लगातार आत्महत्या करने की खबरें भी आई हैं, सूरत से व्यापारियों की लगातार ये खबरें आई हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो रही है, मंदी के दौर में वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर युवाओं पर तो पड़ ही रहा है, लाखों लोगों को रोजगार छोड़ना पड़ा है, ये गंभीर बात है। अहमद जी आप सुनिए जी, मेरी एक बात सुनिए, ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल पे डेफिनेटली असर इसलिए आया कि हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहते हैं, BS6 का नियम लागू हुआ है। आप सुनो, हम पोल्यूशन नहीं चाहते, ग्लोबल वार्मिंग नहीं चाहते, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अभी अफेक्ट हुआ है, कुछ लोगों को रिट्रेंचमेंट हुआ, छंटनी भी हुई है। तो अब ये कह रहे हैं कि इतनी खारे मणि पड़ी है, कोई खरीद नहीं रहा है। मैं कहता हूं साहब, हमारा किसान, मैं किसान का बेटा हूं, गांव से आता हूं, बाड़मेर जिले से आता हूं, अर्थशास्त्र बाद में पढ़िए, तो मैं कहता हूं हम है जब टमाटर 20 रुपए के 10 में बेच देते हैं तो 10 की कार 5 में बेचो ने, तकलीफ कहां है? बहुत ज्यादा प्राइस, मतलब इन्होंने प्रॉफिट कम हो रहा है, घाटा कम हो रहा है। तो ये कहना कि मंदी आ गई ये सही नहीं है सब। क्या एक ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसका GDP में 2% से हिस्सा नहीं है, कैसे कह सकते हो मंदी आ गई है? मंदी नहीं है, स्लो डाउन है। रही बात आपके सूरत की इंडस्ट्री की जी, तो सूरत की इंडस्ट्री के अंदर जिस समय GST लागू हुई उस समय भी मामला सामने आया था, लोगों ने बड़ी हड़ताल की थी। हेमंत जी, मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते बताऊं कि GST की वजह से बेईमानी रुकी, चोरी रुकी, घपले रुके, टैक्स इवेजन रुका, इस कारण कुछ लोगों ने फैक्ट्रियां बंद कर दी। दूसरा, मोदी सरकार में, मैं मोदी या गैर मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो करंट सरकार है उसकी बात कर रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियां रोकी गई जो गलत तरीके से ब्लैक मनी जनरेट कर रही थी, ब्लैक को व्हाइट कर रही थी, तो उन लोगों ने धंधा बंद कर दिया। अब वो धंधा बंद किया तो डेफिनेटली इनकम लेवल कम हुआ, GDP का एस्टिमेट कम हुआ, लेकिन कंट्री के अंदर क्लीननेस आया, कंट्री के अंदर इक्विटी की बात आई, बहुत सारी चीजें हम है तरीके से करना चाहते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। दूसरी बात ये कि हमारा एक अजीत जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। विश्नोई साहब एक मिनट, अजीत जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। विश्नोई साहब अजीत जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। मंत्री तो कह रहे हैं ये मंदी आ रही है, हम उसको सुधारने की कोशिश करें, नंबर एक। नंबर दो बात उनका कहना है वित्त मंत्री का कि साहब उबर और ओला की वजह से ये मंदी आ गई है ऑटो सेक्टर में, क्योंकि वो सुविधाएं ज्यादा दे रहे हैं इसलिए लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। विश्नोई साहब, लगा हो सकता है कि आप तो वित्त मंत्री को ये बातें समझाएं जिससे कि उन्हें पता चले। आप भी सहमत हैं इस बात से कि मतलब आप तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जो आज जो आप कह रहे हैं जो शायद वित्त मंत्री देश की समझ नहीं पा रही है, जो आप वाली बात जो कह रहे हैं, अगर ये बात सरकार को कहनी चाहिए वो आप कह रहे हैं, तो सरकार तो ये कह रही है कि हाँ आर्थिक मंदी आ रही है, दूसरा वित्त मंत्री कह रहे हैं कि उबर और ओला की वजह से ऑटो सेक्टर में गिरावट आ गई है। आप इससे सहमत हैं उबर और ओला की वजह से ये गिरावट आई है? अजीत जी, मैं एक बात कहता हूं आपको, कल ही उन्होंने कहा है और आपके दूसरे मंत्री ने भी कहा है, उन्होंने क्या कहा? मैं ये नहीं, उनका अपना स्टेटमेंट होगा, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा, मैं मेरा अपना व्यू बता सकता हूं। आपका ये मानना, देखिए अजीत जी ये पूछ रहे हैं कि आप इसमें वित्त मंत्री से सहमत है या नहीं है, आपके मुताबिक वित्त मंत्री गलत है या आप ठीक हैं? नहीं, मेरा ये मानना है, मेरी बात सुनिए। हाँ। मैंने उनका पूरा स्टेटमेंट उस रूप में एनालाइज नहीं किया, मेरा व्यू सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है शब्दों का हेरफेर हो और हो सकता है वित्त मंत्री जी का कोई कॉन्टेक्स्ट अलग हो, मेरा कॉन्टेक्स्ट यह है कि मंदी शब्द सही नहीं है, स्लो डाउन सही। तो इसका मतलब वित्त मंत्री गलत बयान दे रही हैं। अगले 9 महीनों इसका मतलब तो यह हो गया रतनलाल बिश्नोई कि वित्त मंत्री गलत बयान दे रही। निर्मला सीतारमण वो कह रही है कि देश में आर्थिक मंदी आई है, इससे वो सहमत है। आप कह रहे हैं कि मंदी शब्द ही गलत है, कोई मंदी देश में नहीं है, तो मतलब दो अलग अलग वक्तव्य हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं, दो अलग अलग विचार हैं। ये तो अर्थशास्त्री के रूप में समझा रहे हैं हमें, ये कह रहे हैं कि कोई मंदी नहीं आई, नंबर एक। नंबर दो बात, मेरा तो सिर्फ इतना जानना है कि क्या देश का वित्त मंत्री गलत कह रहा है कि उबर ओला की वजह से ऑटो सेक्टर में गिरावट आई है, क्या आप इससे सहमत हैं? सिर्फ इतना मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई
ओला उबर का या दूसरी सुविधाएं जो बड़ी है। सुनिए मेरे मेरे आप तो एक जानकार के नाते बोल रहे हैं, वही हम समझना चाह रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कौन सा शब्द बोला, वित्त मंत्री जी ने कौन सा शब्द बोला, टीवी में कौन सा आया, वित्त मंत्री में यही शब्द बोला कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गिरावट आई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गिरावट आई है वो उबर ओला की वजह से आई। आप कह रहे हैं कि इंजन हम चेंज कर रहे हैं इसकी वजह से आई, चल ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा नहीं खींचते हैं। पंकज गुप्ता जी, ठीक है, उन्होंने कहा कि मंदी आई है, आप कह रहे हैं मंदी गलत है। पंकज गुप्ता जो अर्थशास्त्री के तौर पर रतनलाल बिश्नोई कह रहे हैं, वो उनका अपना बयान हो सकता है, अपनी बात हो सकती है, लेकिन क्या आप उससे सहमत हैं? 40 के सचिव होने के नाते क्या उद्योग जो देश का है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है, उसमें कोई मंदी का असर आप नहीं देख पा रहे हैं? हेमंत जी, एक्चुअल में देखिए, ये रतनलाल जी जो बता रहे हैं वो एक व्यू है और वो काफी हद तक काफी चीजें उसमें सही भी हैं। हाँ। लेकिन मंदी एक्चुअल में जो ये बात कह रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है, पूरे 12 महीने में सारे महीने एक जैसे नहीं होते इकोनॉमी में। कुछ कभी किसी समय अगर हम इस कंट्री को एक परिवार की तरह से समझें और उस परिवार के अलग अलग व्यक्तियों को उद्योग की तरह से समझें, तो अलग 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 इंडस्ट्री कभी ग्रोथ कभी स्लो डाउन और अलग अलग चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो जो टोटल जीडीपी है अगर उसमें देखें तो वो गिरावट किसी पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वजह से अगर है तो ये भी नहीं हो सकता कि वो इंडस्ट्री में जो हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, रतनलाल जी ने जो स्लो डाउन बहुत अच्छा वर्ड है अगर इसको देखा जाए, तो वास्तव में एक्चुअल में बोलने में और वो शब्द वहाँ तक पहुँचने में, मीडिया तक पहुँचने में और लोगों तक पहुँचने में, उस शब्दों के अर्थ और मायने बदल जाते हैं। मुख्य जो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हैं सीतारमण जी, अगर उन्होंने गिरावट शब्द को यूज़ किया तो उसको मंदी शब्द की तरह अगर कन्वर्ट कर दिया गया तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मंदी के रूप में उसको फैलाया जा रहा है या प्रचारित किया जा रहा है। पर ये बात ठीक है कि पूरी तरह से इसको आर्थिक मंदी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ग्रोथ में हैं, कुछ सेक्टर जो डाउन है वो डाउन है, ये एक सच्चाई है, फैक्ट है कि कुछ सेक्टर डाउन में है और उन सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। पिछली बार भी जो डिस्कशन हुआ, अगर ऑटो सेक्टर में बात करें तो BS6 को लाना इस देश की मजबूरी है, वर्ल्ड वाइड ये सब कुछ होगा तो जो गाड़ियां अभी अगर खड़ी हैं, कुछ गाड़ियां 3.5 लाख गाड़ियां अगर नहीं भी निकल पा रही हैं तो उनके अपने अलग वो हैं। बात सही है कि उन गाड़ियों को उसी रेट में ना बेच करके अगर हम उनमें उस मानक को उससे कम रेट में अगर वो बेचने की कोशिश करें तो हो सकता है उनको खरीद लिया जाए, पर नया उपभोक्ता तो उस नई गाड़ी का इंतजार करेगा जो अब आनी है, वो क्यों 1 साल या 2 साल के लिए उस गाड़ी को खरीदेगा जो खड़ी है या उस पुराने मानक की गाड़ी को खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं उस रिफॉर्म्स का परिणाम है ऑटो सेक्टर में और उस रिफॉर्म का परिणाम 60-70% तो उस रिफॉर्म का परिणाम ही है और कुछ परचेजिंग कैपेसिटी भी घटी है। कुछ ऐसा है एक्चुअल में जो मैं इसको जो गिरावट कहेंगे इसको एक्चुअल में मंदी कहना तो फिर भी वास्तव में गलत है, एक भयावह शब्द हो जाता है इकोनॉमी के लिए। अगर हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट कहें, जो इकोनॉमी एक बड़े अच्छे उसमें बढ़ रही है उसमें गिरावट अगर हो रही है तो उस गिरावट में भी गिरावट पीछे कई सारे फैक्टर हैं। उस गिरावट के पीछे केवल एक ही फैक्टर नहीं है कि अगर ओला उबर वो कर रहा है तो ओला उबर की वजह से ही हो रहा है, ओला उबर वाले भी तो गाड़ियां खरीद रहे हैं, अगर वो ड्राइवर्स को देखे तो कहीं ना कहीं पंकज गुप्ता मेरा सवाल आपसे ये है कि चलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी आप छोड़ दीजिए, वहां की नौकरियों को भी छोड़ दीजिए, तो बाकी के उद्योग जो है उनमें नौकरियां पैदा हो रही है, निवेश आ रहा है, वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं? निवेश नहीं आ रहा ना? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, एक्चुअल में मैं वही कहना चाह रहा हूँ जी। देखिए नहीं, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है जो लगातार मोदी सरकार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो रहे उसका परिणाम धीरे धीरे रहेगा और ये वापस भी उभरेगी, लेकिन हमें कुछ वक्त तो देना पड़ेगा। हमें उसकी टेंशन या तनाव में आ जाने की बजाय और उसको एक मंदी और भयावह रूप देखने की बजाय हम उस मैंने सवाल दरअसल इसलिए किया पंकज गुप्ता, कुछ देर पहले मैं लुधियाना के जो व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि देश में जब से नोटबंदी की गई उसके बाद से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और हम लोगों पर बहुत ज्यादा मार पड़ी है, कई जो कपड़ा मिले हैं वो बंद हो गई हैं, कई लोगों का रोजगार चला गया है, ज्यादा अगर हम इसको इस तरह से देखें तो आधे से ज्यादा कर्मचारी कम कर दिए गए हैं, कई मिलें जो है हफ्ते हफ्ते तक के लिए बंद हो गई है, कई हमेशा के लिए बंद हो गई है, इस तरह के हालात हैं कपड़ा उद्योग में भी। चलिए जी, मारुति ने अपना पूरा का पूरा गुड़गांव और वहां से पूरा बंद कर दिया है। ये बड़ी कंपनियां हैं और छोटी कंपनियों की तो हम बात ही क्या कर सकते हैं, ये बड़ी कंपनियों की इसलिए बात है। जी अजीत जी, कुछ करें जी। पार्ले जी जैसे बिस्कुट कंपनी ने लोगों को निकाल दिया जी,
और जो इतनी पुरानी कंपनी इतनी पुरानी, और ये कहा जा रहा है कि जब से पार्ले जी की स्थापना हुई उसके बाद से कभी पार्ले जी घाटे में नहीं रही, और कभी ऐसा नहीं देखा गया कि पार्ले जी ने अपनी कोस्ट कटिंग की हो या कर्मचारियों में कटिंग की हो, लेकिन आज ऐसा देखने को मिला। और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उनके जीवन काल में उन्होंने ऐसा बदहाली उद्योग की नहीं देखी, ये उनका बयान है। नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से काफ़ी कुछ गिरावट आई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम ये क्यों उस माने कि ये मंदी के रूप में परमानेंट रहेगा इकोनॉमी में? ये नहीं, ये देखिए उम्मीदें बरकरार, उम्मीद पर हम नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल अच्छा हो जाए, आने वाले दिनों में अच्छा, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा। मैं जाऊंगा उसके सुरेश गर्ग साहब के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे।